हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फाइन इंटर स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस। जो ये आपकी ईवीएस की बुक है उसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। चैप्टर नंबर टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे ईट, मूव, ब्रेथ एंड ग्रोथ। लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, दे ईट, मूव, ब्रेथ एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स किसे बोलते हैं, जीवित चीज़ों को। जो जिंदा लोग होते हैं उसे क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स। जो चल सकते हैं, खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स। एलिफेंट क्या है, लिविंग थिंग्स है। एलिफेंट क्या है, लिविंग थिंग्स। ट्री भी बड़ा होता है ना, जब हम उसे लगाते हैं तो पौधा होता है, छोटा सा होता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, ट्री बन जाता है ना, तो ये क्या हुआ, लिविंग थिंग्स। बॉय क्या है, लिविंग थिंग्स। पिकॉक लिविंग थिंग्स, ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये बढ़ भी सकते हैं, खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, ठीक है, जीवित चीज़ों में जीवन है, वे खाते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं और बढ़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स किसे बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स हैव नो लाइफ, दे कैन नॉट मूव एंड ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती, वो जिंदा नहीं होते, जी नहीं सकते। दे कैन नॉट मूव एंड ग्रो, वो मूव भी नहीं हो सकते हैं और ग्रो भी नहीं हो सकते, बढ़ भी नहीं सकते हैं और इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल, बुक्स पेंसिल बॉल्स एंड बैट्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, बुक अपने आप एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, नहीं जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। बॉल आप फेंकोगे तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, पर आप उसे रख दोगे तो वो अपने आप चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, नो, तो वो क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग। बैट भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ओके स्टूडेंट्स, तो वो भी क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स। पेंसिल भी नॉन लिविंग थिंग्स है। अम्ब्रेला भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है, जो सांस ले सकता है, बढ़ सकता है, जिसे वाटर की नीड होती है, पानी पीता है, जो वो है लिविंग थिंग्स। एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लास एक्टिविटी दे रखी है, पेस्ट टू लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट टू लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। और आपको होम एक्टिविटी दे रखी है, ड्रॉ टू लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट टू लिविंग थिंग्स को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो लिविंग थिंग्स में बर्ड्स और एनिमल भी आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्ड्स और एनिमल को पेस्ट करेंगे। अब देखिए स्पैरो क्या है, लिविंग थिंग्स। स्पैरो क्या है, लिविंग थिंग्स। मंकी भी लिविंग थिंग्स है ना, वो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, बर्ड भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, तो ये क्या हो गया हमारा, लिविंग थिंग्स। अब सेकंड बॉक्स में हमें नॉन लिविंग थिंग्स के थिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसे पेस्ट करना है, ओके डियर स्टूडेंट्स। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आ सकता है, बैट लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तो हम यहाँ पे क्या स्टिक करेंगे, बैट, ओके डियर स्टूडेंट्स, बैट नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट हम करेंगे बॉल नॉन लिविंग थिंग्स। स्पैरो एंड मंकी लिविंग थिंग्स है,
बैट एंड बॉल नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है। वैसे ही आपको सेम एज ये होमवर्क करना है, ड्रॉ टू लिविंग थिंग्स एंड टू नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे टू लिविंग थिंग्स के पिक ड्रॉ करने हैं एंड यहाँ पे टू नॉन लिविंग थिंग्स के पिक ड्रॉ करने हो कर डियर स्टूडेंट्स। और जो ये मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन किया है आपको रीड करना है, एंड ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है होम एक्टिविटी वो आपको अपने आप घर पर करनी है। थैंक यू।